बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट्स मदर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज की एक शॉर्ट वीडियो जो कि इंतहाई कारामद है, वो है इश्तिहार बराए भर्ती वेकेंट पोस्ट ज़री तरक्याती बैंक, इसमें तकरीबन 350 असामियाँ खाली हैं। अपने किस तरह 19/10 इस महीने के 19 तारीख लास्ट डेट है इसमें, आपने कैसे अप्लाई करना है आपको मैं तरीका बता देता हूं। देखो देखिए दोस्तों, आपने जाना है इंटरनेट में, यहां पर जाके सर्च बार में क्या लिखना है आपने, www जो दरिद्र कैटी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है ztbl.com.tk, ठीक है दोस्तों, देखें इसको www.ztbl.com.tk लिखकर एंटर करें। इस पर एंटर करने के बाद ये इसकी ऑफिशियल साइट जो है वो ज़री तरक्याती बैंक का ओपन हो जाएगी। ज़री तरक्याती बैंक क्या है दोस्तों? ये ऐसा बैंक है जो कि ज़मींदारों को, खसूसन ज़मींदारों को इस लिहाज से कर्ज़ मुहैया करते हैं ताकि वो ज़री आशिया खरीद ले, बीज खरीद ले, वक्त वो काश्तकारी करें। तो ये उसके ऑफिशियल साइट ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए जॉब्स, यहाँ जॉब्स पर क्लिक करें। जॉब्स पर क्लिक करने के बाद आपने देखना है, देखिए एक और साइड ओपन हो जाएगी, देखिए ये साइड ओपन हो गई, ये देखिए। तो यहां पर आपने देखे 1, 2, 3 हैं, तो इसमें ये तीनों इसी के हैं। आपने क्या करना है, तो जॉब व्यू जॉब, देखे व्यू जॉब इस पर क्लिक करें। पहले एडवर्टाइज आपने देखना है, ये असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हेड कंपाइलेंस की है, दूसरा है ऑफिसर ग्रेड 2 का है, और तीसरा है ऑफिसर ग्रेड 3। तो इसमें देखिए आपने क्या करना है, व्यू जॉब कर लेना। व्यू जॉब का सबसे ये लाजिमी है कि आपने इसको व्यू करना है पहले, क्योंकि आप एडवर्टाइज देखे बगैर अप्लाई कभी भी मत करना दोस्तों। सबसे पहले तो आपने ये कन्फर्म करना है कि आपके जोन, आपके इलाके के लिए इसमें कोई असामी है कि नहीं। अगर हो तो आपने अप्लाई करना है, अगर नहीं तो अदरवाइज आपने अप्लाई नहीं करना। अपने पैसे, टाइम, वक्त को ऐसे जाया न करना, ठीक है दोस्तों। और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको भी देखना, किन के लिए क्वालिफिकेशन थी, कौन से क्वालिफिकेशन की जरूरत है, इसके लिए एक्सपीरियंस कितने ईयर्स की है, और इसकी एज लिमिट क्या है। ये 3 चीजें आपने लाजिमी देखनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देखिए असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, इसके लिए ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, और कौन से फाइनेंस, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स फ्रॉम हेक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और इसके लिए 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये आप, मैं नहीं पढ़ सकता, टाइम वेस्ट होगा आपकी बजट, टाइम की बचत के लिए चीजें आप खुद पढ़ लें। आगे देखिए एज लिमिट उसमें 40 ईयर्स मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा ये होनी चाहिए। और ये पोस्टें कहाँ पर, कहाँ कहाँ खाली है, देखिए ये डीजी खान में है, डीजी खान। आगे देखिए मुजफ्फरगढ़, रंगियार खान, मुल्तान, विहाड़ी, बहावलपुर एंड बहावल नगर, इन दो जो दोस्त इन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं उनके डोमिसाइल यहाँ के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे दूसरे पोस्ट को देखें, ऑफिसर ग्रेड 2, यहाँ भी क्या चाहते हैं, ग्रेजुएट्स चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, फाइनेंस, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स फ्रॉम हेक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके लिए 3 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है। और नीचे देखिए ये जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, और यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है, दिस इज देखिए 35 ईयर्स है। और ये भी तकरीबन उसी इलाकों में है, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, रंगियार खान, मुल्तान, विहाड़ी, बहावलपुर और बहावल नगर के लिए। तो दोस्तों ये चीजें, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ऐसा करना है कि अप्लाई ऑन, ये देखिए जो आपने एडवर्टाइज पढ़ लिया उसके टर्म्स और कंडीशन आपने पढ़ लिया आपके इलाके के उसमें है, तो आपने क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद देखिए ये उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आपने बहुत केयरफुली फिल करना है, बहुत एहतियात से फिल करना है, हर चीज़ को, हर आइटम को आपने देखना है कि इसको मैंने कैसे फिल करना है, ठीक है, तब जाके आपने इसको फॉरवर्ड कर देना, सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद सबमिट करने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें,
अगर अभी तक आपने इसको शेयर तो लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।